नमस्कार, एमपी न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। कटनी में मध्य प्रदेश सरकार के वैक्सीनेशन जागरूकता पर खरा उतरा कटनी जिले की एक ग्राम पंचायत। कोरोना के टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जहाँ नित दिन नए नए आयोजनों से लेकर लोगों को आमजन को प्रोत्साहित कर रही हैं कोरोना वैक्सीन करवाने के लिए, वहीं कटनी जिले के दूरस्थ ग्रामीण अंचल जो रीठी जनपद की बिलहरी ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत परोहा पिपरिया है, जहाँ कटनी मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर ग्रामीण अंचल है। इस ग्राम पंचायत ने सरकार के उद्देश्यों को 100% टीकाकरण करवा चुका। मध्य प्रदेश टीकाकरण पोर्टल पर कटनी जिले में यह पहला स्थान प्राप्त कर कटनी जिले को गौरवान्वित कर रहा है। जहाँ ग्राम पंचायत के सभी कर्मी जीआरएस आंगनवाड़ी केंद्रों के कार्यकर्ता व सहायिकाओं आशा कार्यकर्ताओं सचिव सरपंच के सामूहिक योगदान और प्रशासन द्वारा जारी प्रचार प्रसार प्रभाव से इस ग्राम पंचायत से पूरा लक्ष्य प्राप्त कर चुका है। बिलहरी ब्लॉक नायब तहसीलदार निधि तिवारी ने बताया कि 18 वर्ष से लेकर वृद्धजनों ने बढ़ चढ़कर टीकाकरण में अपना भरपूर सहभागिता निभाया और स्वयं घरों से टीकाकरण केंद्र आकर टीका लगवा लिया। गांव के युवा वर्ग के एक युवक सुंदरम परोहा ने अन्य युवाओं को संदेश दिया कि वो टीका लगवा लिया और अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और अन्य युवाओं को आगे आकर टीका लगवाना चाहिए। बात करें लोगों को प्रेरित करना और वैक्सीनेशन कराने के लिए, तो ग्राम में जन जागरूकता बढ़ाने और फैलाने में जिनका अहम योगदान रहा वह महिला बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का समूह, जो एकत्र होकर एक साथ डोर टू डोर जाकर घरों से बुलाकर समझाई थी और केंद्रों में ले गई टीकाकरण कराने और आज कटनी जिले में 100% टीकाकरण करवाकर रिकॉर्ड दर्ज कराने में अन्य विभाग के साथ साथ इन जमीनी कार्यकर्ताओं विनीता परोहा, रीना परोहा, नीतू बर्मन, स्नेहा तिवारी और सहायिकाओं में अनीता परोहा, अर्चना परोहा आदि लोगों का अहम योगदान रहा और जिसमें इनके साथ युवाओं की वॉलंटियर टीम शुभम परोहा, सुंदरम परोहा, गोवर्धन रजक और आशा मीना परोहा, शाहजहां भी ने कंधे से कंधा मिलाकर अपना सहयोग प्रदान किया। संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी कटनी। बताया था कि टीका लगवाने से सही रहता है। अभी आप टीका लगवाने के बाद क्या महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहा हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने साथियों युवाओं को? सर, यही संदेश देना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं 18 प्लस के 80 प्लस के, तो सब लोग वैक्सीनेशन लगवाएं अपने लिए, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वैक्सीन लगवाने से। जैसे लोगों में भ्रम की स्थिति है कि वैक्सीन लगने से बुखार आता है फिर बुखार ठीक नहीं होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या करते हैं आप? सर, मैं पढ़ाई करता हूँ। मैम, ग्राम पंचायत पिपरिया परिवार में जिस तरह से देखा जाए कि 100% पूरा ग्रामीण यहाँ पे टीका हो चुका है, इसके पीछे के कैसा क्या योजना रही होगी, किस तरह की मेहनत किया होगा आप लोगों ने? सभी जगहों को लेकर यहाँ पंचायत में भी शुरू से थोड़ी सी भ्रम की स्थिति थी वैक्सीनेशन को लेकर, बट हमारे पटवारी, जीआरएस, यहाँ के सचिव हो गए, सरपंच हो गए और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, सभी ने मिलकर एक टीम का निर्माण करके यहाँ पे जागरूकता अभियान चलाया। टीकाकरण महारथ के द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। स्वयं यहाँ पर सारे जो भी पदाधिकारी हैं और अन्य पोस्ट पे हैं, सबने स्वयं टीकाकरण करा के लोगों को के सामने उदाहरण के रूप में पेश किया। इसके पश्चात देखने में आया कि धीरे धीरे लोगों ने वैक्सीनेशन कराने स्टार्ट किया और ये महाअभियान चलते चलते जो है 573 जो हमारे 18 प्लस के अलावा जो 45 चल रहा है उसमें 573 पूरे लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया है और आज से हम लोगों ने यहाँ पे 18 प्लस वैक्सीनेशन स्टार्ट किया है, जिसमें अभी तक लोगों लगभग 55 लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया है और यहाँ पे लोगों में काफ़ी उत्साह है। उम्मीद है कि 18 प्लस भी वैक्सीनेशन यहाँ 100% हो जाएगा। आप निधि तिवारी? हाँ, निधि तिवारी, नायब तहसीलदार, बिलहरी। जो जन जागरण आपने लोगों ने चलाया, वो किस तरह से आप लोगों ने इसकी योजना बनाई थी? हम लोगों का तो यहाँ था ही कि वैक्सीनेशन करवाना, पहले लोगों को दूर जाना पड़ता था, फिर बोलकर हमारे जो अधिकारी हैं उनसे बोलकर हम लोगों ने यहाँ सेंटर बनवाया। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक टीम बनाई जिसमें कुछ थे हमारे साथी और कुछ हमारी बहनें थी, आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स जितने भी थे और हमारे जीआरएस सचिव, सरपंच और जिनका सहयोग, हमारे जो गाँव के प्रतिष्ठित लोग थे और जितने भी लोग थे हमारे जो हमारी हेल्प कर सकते थे, हमको लगता था कि हाँ ये हमारी मदद करेंगे, उनका सहयोग लिया। फिर हम लोगों ने डोर टू डोर होम विजिट किया, उसके बाद हम लोगों ने लोगों को मोटिवेट करना शुरू किया और इस तरह हम लोगों ने इसमें सफलता मिली हम लोगों को।